corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. सोलन में 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित त्रिभुवन नामक एक जगह है। यहाँ पर फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल का प्रावधान है। इस स्कूल में इन बच्चों की एबिलिटी और टैलेंट को पहचाना जाता है और उसे बढ़ावा दिया जाता है, ताकि ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ज्ञान भारती स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऐसे बच्चों का स्कूल है जिनमें मानसिक और शारीरिक कमियाँ हैं। इन कमियों के बावजूद भी इन बच्चों ने अपने साहस और हौसले को नहीं छोड़ा। ये बच्चे स्कूल आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के साथ साथ इन बच्चों को ज़्यादातर वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, सॉफ्ट टॉयज बनाना, बुनाई करना, पेंटिंग करना इत्यादि। मैंने 2004 में ये स्कूल शुरू किया था, स्पेशल स्कूल, और पहले हमने एक संस्था बनाई, उसके बाद हमने स्कूल को रन किया। स्कूल का नाम रखा ज्ञान भारती, जिसको प्रयास फाउंडेशन रन कर रही है। और पहले इसमें सिर्फ 4 ही हमारे पास स्टूडेंट थे, आज जो है वो 30 स्टूडेंट्स हो गए हैं। और हम कुछ इनको वोकेशनल वो देते हैं, कुछ जो पढ़ते हैं उनको हम पढ़ाई कराते हैं, बाकी बच्चे जो हैं गेम्स में स्पेशल ओलंपिक के साथ मिलकर इन बच्चों ने बहुत अच्छा करिश्मा दिखाया है। मैं चाइना से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। मैं बोची गेम में पार्टिसिपेट किया था, जब मुझे चाइना बहुत अच्छा लगा। मेघा मेरी बेटी है, ये 15 साल की है, ना ये बोल सकती है ना सुन सकती है, और शुरू से ही ऐसी है। और स्कूल में भी डाला, और कहीं मतलब इसको सब स्कूल में मना कर दिया था, और फिर हमने यहाँ डाला और बहुत अच्छा हो गया। अब अमेरिका जाके खेल के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है, और 3 गोल्ड मेडल लेके आई है। और अब मेरी बेटी बहुत नाज है। अगर ज़रूरत है तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर की, जो कि ज्ञान भारती स्कूल के बच्चों ने कर दिखाया है। इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।